नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड कॉन्स्टेंट द मैक्सिमम स्पेस सेफ स्पीड ऑफ पासिंग व्हीकल इज टू बी इंक्रीज बाय टेन परसेंट सवाल है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड विल हैव टू बी चेंज फ्रॉम ट्वेंटी टू हमें बताना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वेंटी से अब हम कितना बढ़ाएं नई बात अपने को पता है कि से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रोड है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपका व्हीकल इधर जा रहा है और इसका अगर हम ऐसे व्यू बनाएं तो ये आपका बैंकिंग एंगल थीटा है आपका व्हीकल ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है ये आपका व्हीकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस केस में हम लिखते हैं टेन थीटा जो बैंकिंग एंगल है उसको हम लिखते हैं विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी ना यहाँ पे टेन थीटा कांस्टेंट है जी आपका कांस्टेंट है सो हम हाँ पे कह सकते हैं कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर को अगर इधर ले जाएं विल बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि R2 टू डिवाइडेड बाय आर वन विल बी इक्वल टू बाकी फैक्टर सेम है आपके विल बी इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन का स्क्वायर नाउ अब अब इस डेटा को हम अपने सवाल में डाल दें तो इसको हम कह सकते हैं R2 टू विल बी इक्वल टू वी टू बाय वी वन वी टू हमने 10 परसेंट बढ़ा दिया तो पहले मान लो आपकी स्पीड 100 थी अब हमने 10 परसेंट बढ़ाया तो उसकी स्पीड 110 हो गई तो दिस विल बी इक्वल टू वन वन ज़ीरो तो डिवाइडेड बाय वन जीरो ज़ीरो स्क्वायर अगेन ये रेशो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको अगर हमने वन से बढ़ा के टेन परसेंट बढ़ाया होता तो वन पॉइंट वन आता तो रेशो आपका सेम ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय आर वन सो विच मीन्स आर टू की जो वैल्यू है ना इससे ये बनेगा वन पॉइंट वन का स्क्वायर यानी कि वन पॉइंट टू वन मल्टीप्लाइड बाय आर वन अपने को ट्वेंटी दिया हुआ है सो आर टू की जो वैल्यू है वो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी एक तो ज़ीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टू फोर पॉइंट टू मीटर ऑल्ड सो ये आपके नए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी एंड हैंस आपका ऑप्शन नंबर थ्री 24.2 मीटर वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया